चौदह होकर पले हुए कुथाए क्या? हाँ तो चौदह होकर सो रहे है, तो तुम्हारे पिछवाड़े में जलन क्यों हो रही है? नहीं, बिना तुतिये ही तौदे हो रहे थी लिए पुथा। चुतिया है क्या? मालूम है ना दिवाली है, इसलिए थोड़ा सा सफाई किया, इसलिए थक गया और आराम कर रहा। और ये बता, दिवाली में सब नाच गा रहा है और तू यहाँ आकर बकचोदी चोद रहा है? अरे अंतल जी, मुझे आप बोल रहे हैं और अपने बेटे को देखो उदास होकर बैठा है। तो बहुत बड़ा गवार और पागल है, पता नहीं मेरी किस्मत में ही आना था इसे। पापा आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि आप ही सबसे बड़े ज्ञानी और समझदार हो। हाँ हम समझदार और ज्ञानी, और हाँ मुझसे इज्जत से बात करो, नहीं तो ऐसा चाटा मारूंगा कि दोनों कान से खून निकल आएगा। पिछले 2 घंटे से जूते की तरह मुंह लटका कर बैठे हो। इधर दिवाली में सब झूमना झूम कर खुशियाँ मनाते हैं और तू मुंह लटका के बैठे, दिल तो कर रहा है जूते उठा के मारो तेरे सर पर। मुझे पटाखे जलाने हैं। भगवान क्या करो उस लड़के का, कल से ये पटाखे पर पटाखे जला रहा है और ये तो कसम ही खा लिया है कि जब तक पटाखे से हाथ जलाएगा नहीं तब तक मानेगा नहीं। दिवाली की 1 महीने से पटाखे पटाखे किए जा रहा है ये। अरे ओ चाचा, इस दिवाली में कौन सा आइटम को देख लिए हो कि पटाखा पटाखा बोले जा रहे हो, बताइए। लगता है दिवाली के पटाखे की आवाज से कान में तुझे अच्छी तरह सुनाई नहीं दे रहा है। पटाखे पटाखे बोल रहे हो तो हम क्या समझेंगे? हम लोग तो वही समझेंगे ना, समझ गए ना? अरे समझदार, पूरी बात बिना सुने बीच में बम की तरह फूटा मत करो, नहीं तो ऐसा चप्पल मारेंगे। अरे अंतल जी जूठा तीन बोल रहे हो? अरे भाई तुम बैठो आराम से, आ जाओ, तुथ नहीं होगा। नहीं जला रहा था पटाखा, मगर इस तरह कभी नहीं किया। एक दिन पटाखा नहीं मिला तो फटे हुए जूते की तरह मुंह लटका के बैठ गए। मैं जब तुम लोगों की उम्र का था ना तो बहुत सारा बमों खरीद कर दिवाली के रात में जलाते थे। अरे ओ चाचा, ये बमा का मतलब क्या हुआ? मुझे तो लगता था कि यहाँ 2 ही पागल है, मगर तुम अब पता चला कि तुम भी बहुत बड़े पागल हो। एक हो तब ना बम बोलेंगे, ढेर सारा तो बमो बोलेंगे ना। अच्छा बुरचोदी का ऐसा क्या? मुझे ही मिलना था ये सब पागल, हट बेहुदा कहीं का। अच्छा चाचा ये बताओ, ये बेहुदा का मतलब क्या हुआ? जो आदमी दिमाग से पैदल, सोच से पूरा गधा और देखने में पूरा पागल हो ना, उससे मैं कहता हूँ बेहुदा, समझ गए? एक यहाँ बेहुदा बैठा है और एक ये आ गया। भांग खा के आए हो क्या? नहीं अंकल जी, आज तो नहीं, कल खाया था। ऐसा करो, तुम रोज खाया करो, क्योंकि खाओ या ना खाओ तुम पर कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि तुम हमेशा ही बेहुदे ही रहोगे। क्या हो अंकल? बेहुदे आज होली है कि दिवाली? ये आज तो दिवाली है, मैं तो भूल गया था। मुझे लगता है जब ऊपर वाला बुद्धि बांट रहा होगा तो तुम लोग ना सबसे पीछे वाले लाइन में खड़े होंगे। कौन पीछे खड़ा था बोलो तो फिर से। अबे गधे तुम सब, पहले यहाँ जलाता हूँ पटाखा, फिर बाहर जाकर जलाऊंगा पटाखा। ये कौन बेहुदा पटाखे जला रहा है घर में? अबे घर से बाहर जाके पटाखे जला? चदी पटाखे से डरते हो क्या? अबे नहीं गे अंकल, तो आंटी से डालती है ना? ऐसा कुछ नहीं है, वो सब पुरानी बातें हैं। और हाँ, तेरी आंटी मुझसे डरती है, तेरी आंटी से मैं नहीं। कल ही 2 चाटे लगा के आया। और चदी के 2 लगाए होंगे तो 10 खाए भी होंगे। अबे तुमको मालूम है आंटी इतनी तेज है कि अंकल 1 लगाए उससे पहले आंटी 5 लगा देती है ना अंकल दे? ऐसा कुछ नहीं है, सब पुरानी बातें। अरे मम्मी आगे लगती है, बोल देना उसको मैं नहीं यहाँ नहीं, बोल देना उसको मैं यहाँ नहीं हूँ। अरे बाबा मैं तो मजाक कर रहा था सिर्फ। बाप से मजाक करता है माँ देखो। दिवाली को पटाखे की जगह तेरे पिछवाड़े में आग लगाऊंगा, समझ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हाँ, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना यार, अच्छा लग रहा है सपोर्ट ऐसा देख कर कुछ
करने का दिल आ रहा है, और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना, और हमारे सभी परिवार वालों की तरफ से आप सबको दिवाली।